इस वीडियो को देखेंगे ओबीसी कैटेगरी का ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू क्या कटअप जाती है। ओके, इसमें किस किस राउंड का बात करेंगे तो आप इसमें को ये भी पता होना चाहिए टॉप 15 कॉलेज कौन है। आपको यदि ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू वेटरनरी कॉलेज को प्रीफर करेंगे तो कुछ कॉलेज को एक नंबर पर रखेंगे, दो नंबर पर रखेंगे, मतलब प्रिफरेंस ऑर्डर कैसे रखेंगे। तो टॉप 15 कॉलेज हम बना के रखें, आप देख रहे हैं इसमें किस किस राउंड का बात करेंगे। तो इसमें राउंड फर्स्ट का बात करेंगे, सेकंड मॉपअप एंड स्टे राउंड तक। तो उससे इससे ये भी पता चलेगा कि इतने के बीच आपको यदि रैंक वैरी करता है तो आपको कोई ना कोई वेटरनरी कॉलेज स्टे राउंड तक, ये सबसे लास्ट राउंड होता है स्टे राउंड जो ऑफलाइन होता है। राउंड फर्स्ट, ओके, राउंड फर्स्ट करेंगे ओबीसी कैटेगरी का ओपनिंग रैंक किया था एंड क्लोजिंग रैंक किया है, मतलब फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक कॉलेज मिला था तो यही पता करेंगे। ओके, तो देखो पहला स्टार्ट किया था इसने 23037 रैंक पे इसने अलॉट किया, उस फर्स्ट राउंड तक इसको 94,245 रैंक पे तक मतलब कॉलेज अलॉट हुआ था। यदि आप ओबीसी कैटेगरी हैं आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस है या नहीं है, तो यदि आपका रैंक कितना, आपका यदि 23,000 से 94,000 के बीच आपका रैंक एक्सटेंड करता है तो राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिलने के चांसेस है। थोड़ा सा अप डाउन होगा, हो सकता है इस बार 95 पर चल जाए या फिर इस बार हो सकता है 93 पर जा सकता है, ठीक है। बट ऑन एवरेज यदि आपका रैंक इसके बीच है तो आपको फर्स्ट राउंड तक में पार्टिसिपेट करना है वेटनरी कॉलेज के लिए, वो भी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड राउंड के लिए। अब देखो बात करते हैं सेकेंड राउंड की, यह है सेकेंड राउंड ओबीसी कैटेगरी। ओके, तो सेकंड राउंड में ओबीसी कैटेगरी कितना जाएगा, ओपनिंग रैंक क्या था, क्लोजिंग रैंक क्या था, ये बात करेंगे। अब देखो पहला था इसका 23,600 के समथिंग इसको वेटनरी कॉलेज मिला था, राजस्थान वाला वेटनरी कॉलेज, ओके, बीकानेर की वेटनरी कॉलेज। तो देखो कितना से स्टार्ट हुआ है, 23,000 से स्टार्ट हुआ है। तो ये क्लोज आके कब हुआ है, तो 97,871 रैंक तक उसको अलॉट किया था सेकंड राउंड, ठीक है। तो सेकंड राउंड कहाँ तक चला, 97,000 तक। यदि आपका वेटनरी कॉलेज चाहिए 97 रैंक के बीच आपका रैंक एक्सटेंड कर रहा है तो आपको सेकंड राउंड मिलने का चांसेस है। फर्स्ट राउंड कहाँ तक था चांसेस, फर्स्ट राउंड था 94,000 के साथ, यहाँ पे 97,000 बढ़ गया तो सेकंड राउंड में 97 तक गया। ओके, आप देखते हैं इससे ज़्यादा का है 98, तो आपको सेकंड राउंड में प्राइवेट वेटनरी कॉलेज मिलेगा। तो कौन कौन सा रैंक वाले को प्राइवेट वेटनरी कॉलेज मिल गया था, 99,000 एक लाख के आसपास था, तो सेकंड राउंड में उसने प्राइवेट वेटनरी कॉलेज मिला उसको। ओके, अब देखो 107,000 के आसपास तो प्राइवेट मिला। अब देखते हैं मॉपअप राउंड, तो मॉपअप राउंड किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओके, तो मॉपअप राउंड कहाँ है लिखा हुआ, यह मॉपअप राउंड। ओके, तो मॉपअप राउंड यदि आपका रैंक वैरी करता है कहाँ से कहाँ तो आपको मिलने के चांसेस है या नहीं तो इसको पता चलेगा। अब देखो पहला इसको अलॉट कितना रैंक से हुआ था, 42,000 समथिंग, 42,588 रैंक पे उसको बीकानेर वाला वेटनरी कॉलेज मिला था। ओके, राजस्थान की वेटनरी कॉलेज है, जाके क्लोज कब हुआ था, क्लोज जाके हुआ 1,25,000 समथिंग का रैंक है तो मॉपअप राउंड मिलने के चांसेस है। तो स्टार्ट कब हुआ था, कितने स्टार्ट हुआ था, तो 42,000 से लेके, तो समथिंग सपोज दैट 42,000 से लेके 1,25,000 के बीच अगर रैंक है तो आपको मॉपअप राउंड में मिलने के चांसेस है। पहला था कि आप फर्स्ट राउंड क्या था, राउंड फर्स्ट में, राउंड फर्स्ट में क्या था कि आप कहाँ तक वेट कर सकते हैं, 94,000 के बीच यदि आपका रैंक था तो फर्स्ट राउंड के बीच अलाउ हो सकता था, ठीक है। यदि सेकंड राउंड पर कहाँ गया था, 97 तक गया था, राउंड सेकंड कहाँ तक गया था, 97,000 के बीच आपका रैंक है तो आप सेकंड राउंड पार्सेट मिलने का चांसेस है। यदि आप मॉपअप राउंड में कब मिलने का चांस है, यदि आप 1,25,000 के बीच आप रैंक हैं तो उसके बीच, तो आपका इससे पहले होना चाहिए 1,25,000 के पहले रैंक होना चाहिए। 1,34,000 समथिंग है उसको प्राइवेट मिला जबकि वो ओबीसी था, 1,48,000 था तो प्राइवेट मिला इतना रैंक पे, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट राउंड स्टे राउंड, तो स्टे राउंड ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना चला था तो आप इससे पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिलना चांसेस है नहीं। स्टे राउंड सबसे लास्ट राउंड होता है, जैसे सीट वैकेंट होती है सबसे लास्ट राउंड एक कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, जो ऑफलाइन होता है, ठीक है। आप देखो स्टार्ट 77,197 रैंक पे अलॉट किया था, ठीक है, तो ये उत्तराखंड का वेटनरी कॉलेज मिला था। तो एक क्लोज जाके कहाँ हुआ, 1,50,000 समथिंग, तो 1,50,147 रैंक है तो आपको कोई ना कोई वेटनरी कॉलेज ऑल इंडिया के थ्रू मिलने के चांसेस है, ऑल इंडिया के थ्रू। तो आप इससे क्या कंक्लूजन होगा, यदि आपका रैंक 1,50,000 समथिंग के बीच है, इसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं, मतलब 1,51,000 हो गया तो आपको मिलने के चांसेस कम है। क्या गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज, प्राइवेट मिल जाएगा, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है, 1,50,000 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अब इससे ज़्यादा है 2,71,000 तो प्राइवेट मिलने स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ये वीडियो कंप्लीट, जो डिस्कशन था, जो पर्पस था, कंप्लीट हुआ कि नहीं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप राउंड स्टे राउंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब ये डाउट मत रहना चाहिए कि ओबीसी कैटेगरी मेरा रैंक इतना है क्या मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं,
इसे अलावा डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए। ओके, थैंक यू।